चांद आया मुट्ठी में, अब सूरज की बारी, इसरो ने कर दिया ऐलान, तय हो गई तारीख। उधर मोदी ने अफ्रीका से कर दिया बड़ा ऐलान, इधर इसरो ने शुरू कर दी तैयारी। कई लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा सूर्य मिशन, फिर से भारत रचेगा इतिहास। स्वदेशी तकनीक से भारत ने जीता चांद, अब सूर्य को भी नमस्कार करेगा भारत। कब और कैसे किस दिन होगी सूर्य पर चढ़ाई, इसको लेकर पूरी खबर सामने आई। जी 23 अगस्त 2023, ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। इसरो के चंद्रयान 3 ने बुधवार शाम 6:04 पर चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लैंडिंग होते ही पूरा भारत जोश से झूम उठा, हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारत का चंद्रयान जैसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर पहुंचा, ये इतिहास रचने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत है, चांद के बाद अब सूरज की बारी है। चंद्रमा के साउथ लैंड पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले बुलंद है। चांद को मुट्ठी में करने के बाद अब वैज्ञानिक सूरज को फतह करने की तैयारी में जुटने वाले हैं। जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई, वैसे ही बुधवार देर शाम एक बड़ा ऐलान हो गया। पीएम मोदी ने देशवासियों को एक नया सौगात दे डाला, इसरो चंद्रमा के बाद अब सूर्य पर भी रिसर्च करने के लिए अपने आदित्य L1 को सूर्य की ओर रवाना करेगा, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सूर्य मिशन को रवाना करने के लिए समय भी घोषित कर दिया है। बताते चले कि इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ ने बताया कि सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 उपग्रह सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन करीब 120 दिन यानी 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा, जहां सूर्य यानी सौर वातावरण का अध्ययन करेगा और आंकड़े इकट्ठे करके पृथ्वी पर भेजेगा। आदित्य L1 भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला भी तैयार की जा रही है। इसरो के अनुसार सूर्य मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 का उपग्रह का नाम सूर्यदेव के नाम पर रखा गया है, जिसे भारतीय रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण जिसे PSLV द्वारा ले जाया जाएगा। इस उपग्रह को जल्द ही रॉकेट के साथ जोड़ने का भी काम शुरू हो जाएगा। यही नहीं, सूर्य मिशन के बाद अब गगनयान मिशन भी आगे बढ़ेगा। ये मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा है। बताते चले कि सूर्य मिशन की भी लॉन्चिंग अगले 2 सप्ताह के भीतर ही हो जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का ये पहला मिशन होगा, लगभग 5 साल तक लगातार सूर्य का अध्ययन करेगा। इस अंतरिक्ष यान में 7 तरह के वैज्ञानिक पेलोड्स लगाए जाएंगे जो सूर्य के अध्ययन में सहायक होंगे। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। इन मिशन को पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सूर्य मिशन साल 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। नासा के पार्कर सोलर प्रोब नाम के एक व्यक्ति ने सूर्य के आसपास से तकरीबन 26 उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। तो चंद्रयान के बाद अब सूरज की बारी है। क्या लग रहा है आपको कि ये मिशन कितना सफल होगा और भारत किस तरीके से कैसे इतिहास रचेगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।